नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कांग्रेस के लिए अभी अभी एक बुरी खबर बिहार विधान परिषद से आ रही है। कांग्रेस को अपना विधान परिषद उम्मीदवार तारिक अनवर को तकनीकी कारणों से बदलना पड़ गया है और उनकी जगह अब समीर सिंह जो हैं कांग्रेस के विधान परिषद के उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। हम आपको बता दें कि नियम ये है विधान परिषद का या विधानसभा का कि उम्मीदवार को बिहार का वोटर होना चाहिए, लेकिन तारिक अनवर बिहार के वोटर न होकर उनका नाम दिल्ली के वोटर लिस्ट में है, जिसके कारण ये तकनीकी गड़बड़ी पैदा हुई और तुरंत उनकी जगह समीर सिंह को कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कराया गया है विधान परिषद में। आपको बता दें कि विधान परिषद में आज अंतिम दिन था नामांकन दाखिल करने का और जैसे ये खबर मिली वैसे ही तुरंत समीर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया कांग्रेस के तरफ से विधान परिषद का। सबसे बड़ी बात ये थी कि तारिक अनवर जो है 5 बार कटिहार से सांसद रहे हैं, एक लंबा राजनीतिक उनका अनुभव रहा। एनसीपी के राज्यसभा के उम्मीदवार वो राज्यसभा में एनसीपी के तरफ से वो नेता थे, लेकिन ये तकनीकी कारण जो है आज कांग्रेस को बड़ा महंगा पड़ गया। तारिक अनवर एनसीपी छोड़कर अभी कांग्रेस ज्वाइन किए थे और कांग्रेस तारिक अनवर के मार्फत जो है वो एक चेहरा जो है अल्पसंख्यक चेहरा प्रस्तुत करना चाह रही थी बिहार में, जो कि उसके मंसूबे पे पानी फिर गया है। देखा जाए, समीर सिंह की खबरें हमारे पास जरूर अभी कुछ देर में पहुंचेंगी, हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन आप बने रहिए नेशन भारत चैनल के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कोई सलाह हो तो हमें अवश्य लिखें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।